लोकल फॉर एम्प्लॉय 2015 से है फॉर ऑल कॉलेजेस कश्मीर डिवीजन। सर हमारी गाइडलाइन आई है 2015 के बाद जो लगे हैं उनको बैनर किया गया है। सर हम 2015 में लगे, हमें नहीं पता थी तब बैनर लगे हैं, वो तो ऑफिसर उसको पता थी। अब हम 7 साल से कॉलेजेस में डिफरेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये 7 साल के बाद हमें वो बोल रहे हैं आप बैनर में लगे हो तो आपको ना हम सैलरी दे सकते हैं और ना ही हम आपको काम पे लगा सकते हैं। सर हम आप इंसाफ चाहते हैं, अब 7 साल के बाद हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे इसी पे पल रहे हैं, 7 साल के बाद हम क्या काम कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जो ऑफिसर्स लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाएं, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। सर प्रिंसिपल मैम हमारी जो है कॉलेजेस में डिफरेंट, उनको गाइडलाइन मिली है इनको ना तो अटेंडेंस दी जाए और ना ही इनकी सैलरी दी जाए। हम गए थे कमिश्नर साहब के पास, गए थे डायरेक्टर साहब के पास गए थे, वो बोलते हैं आप लोग 2015 बैरियड में लगे हो तो उस वजह से हम कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अब 1.5 मंथ हो गया, 2 मंथ होने कम्प्लीट होने वाला, अभी तक उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। हम आज चाहते हैं जैसे हम काम कॉलेज में कर रहे थे और जो गाइडलाइन आई है वो वापस लीजिए, हम कॉलेज में अच्छे से जैसे काम करते थे वैसे ही काम करेंगे।